प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जिन 91 एफएम रेडियो रिले केंद्रों का वर्चुअली शुभारंभ किया उनमें बुरहानपुर जिला भी शामिल है। बुरहानपुर में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल समेत अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने एफएम स्टेशन को सौगात बताते हुए कहा कि रेडियो के माध्यम से विभिन्न प्रकार की रोचक जानकारियां प्राप्त होंगी। इस प्रसारण से श्रोताओं को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक एफएम की सेवाएं मिलेंगी। पहले चरण में अभी सभी जगह के उपभोक्ता विविध भारती पर गानों के साथ साथ समाचार भी सुनेंगे। इसके बाद स्थानीय भाषा में भी उनके लिए सेवा शुरू की जाने की तैयारी है। जनता कई दिनों से मांग कर रही थी कि एफएम का लाभ बुरहानपुर की जनता को भी मिले, और मैं बुरहानपुर जिले के साथ साथ खंडवा संसदीय क्षेत्र की जनता से के आशीर्वाद से सांसद बनने के बाद मैंने यहाँ के अधिकारी को बुलाया कि यहाँ दूरदर्शन का केंद्र जो था वो बंद पड़ा हुआ है, इसको हम किस तरह से उपयोग में ले सकते हैं। तो अधिकारी के द्वारा मुझे सजेस्ट किया गया कि साहब यदि आप एफएम के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ एफएम मिल सकता है। उसी समय मैंने तत्काल पत्र बनवाया और जो हमारे मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर जी से उस समय मैंने चर्चा करी कि मेरे बुरहानपुर के जनता की मांग है या बुरहानपुर की जनता को भी एफएम का केंद्र शुरू होना चाहिए। तो उन्होंने उस बात को ध्यान में रखा और आज आप देख सकते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश भर में 91 एफएम केंद्रों का वर्चुअली उद्घाटन किया है, जिसमें आज बुरहानपुर भी उसमें शामिल है। तो मैं बुरहानपुर ज़िले की जनता की तरफ से हमारे समस्त पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।